माहिर मईशत खाका नजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएगा कि मुसलसल डॉलर की कदर में कमी देख रहे हैं, तो ये इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए 21 पैसे की कमी हुई है और इसकी वजह से जो गोल्ड है वो भी सस्ता हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छे से पाकिस्तान में एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर का इंफ्लो था वो बहुत ही कम रहा। हमारे जो सारे जराए थे, IMF के पैसे नहीं आए, पाकिस्तान के पास कमर्शियल फंडिंग नहीं आई, पाकिस्तान के पास बायोलैटरल फंडिंग जो फ्रेंडली कंट्रीज की थी वो नहीं आई, पाकिस्तान के पास मल्टीलैटरल फंडिंग नहीं आई। इसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो 4 अरब डॉलर पे आ गए। वो भी इसलिए कि चाइना जो है वो अपनी रीफाइनेंसिंग और रीप्रोफाइलिंग कर रहा था। अब ये सिचुएशन जो है जो रिवर्स कर रही है, पाकिस्तान को अगले 1 से 1.5 माह में मेरा ख्याल है जब हम ऑगस्ट एंड करेंगे तो करीबन 4 से 5 अरब डॉलर के नए इनफ्लो एक्सपेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो डॉलर की सप्लाई है वो बढ़ गई है। अगर आपकी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो इन द शॉर्ट रन सेंटिमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स ने डॉलर होल्ड किया हुआ था वो इसको चाहेंगे कि लिक्विडेट करें ताकि उनको और नीचे ना रुपया सेल करना पड़े, यानी कि आज अगर 278 है तो और रुपया ना उनको सेल करना होगा। इसी तरह बहुत से लोगों ने ना आजकल एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनाया हुआ है इन द शॉर्ट टर्म डॉलर। तो हर कोई डॉलर खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि हम डॉलर में इन्वेस्ट करें। इसमें भी जो रुपए की कदर है उसको बहुत कमजोर किया क्योंकि ओपन मार्केट पे बहुत प्रेशर रहा और इंटरबैंक में इम्पोर्टर भी जो है वो पहले डॉलर खरीद लेना चाहता था ताकि ये ना हो कि हमें महंगा खरीदना पड़े। ये सारा तो है शॉर्ट टर्म की कहानी। दो चीजें मिली जो हम एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनी, एक सप्लाई कम हुई, ये जो सारा प्रेशर है आपको देखने को मिला। पर ये भी याद रखिए कि हमने रुपए में एक जाकर इंटरबैंक मार्केट की जो मैनेजमेंट है उसको हमने 2019 में और मैं चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद था और हमने एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया जिसमें हमने इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बनाया। इसका मतलब ये था कि अब मार्केट डिटरमिन करे कि रुपए की कदर जी IMF मुआहदे के असरात हैं और डॉलर में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर और खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।